तो ये है दोस्तों इंडसइंड बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड। ये दोस्तों मुझे बिल्कुल बिना किसी इनकम प्रूफ के मिला है। किस तरीके से मिला है मैं आपको भी लाइव करके दिखाऊंगा, इसको एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। ये कितने दिन में मुझे मिला है सारा डिटेल दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो का आपको पूरा कम्प्लीट जरूर देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें क्या कुछ मिलता है, उसके बाद मैं इसे लाइव आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तुरंत बिना इनकम प्रूफ के, और इसको एक्टिवेट वगैरह सारा करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी दोस्तों इसको मैंने कट कर लिया है, इसको अभी ओपन करके दिखा देता हूं इसमें क्या कुछ मिलता है। तो इसको ओपन करने के बाद इसको रखते हैं अभी साइड में, उसके बाद दोस्तों इसको भी अभी कट करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों इसको भी मैंने कट कर लिया है, इसको अभी निकाल के आपको दिखा देता हूं क्या कुछ मिलता है सारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको इसमें आपको ये मिल जाता है UPI वगैरह सारा आपको इसमें दिखाया गया है। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों ये आपका कार्ड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला कार्ड रुपए वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये वाला रुपए क्रेडिट कार्ड मुझे मिला है। इस तरीके से मिला है, अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 30,000 का लिमिट मिला हुआ है। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से कार्ड दिखता है, बाकी बैक साइड से कुछ इस तरीके से है। तो कार्ड दोस्तों देखने में तो काफी अच्छा ही है। बाकी सबसे पहले दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ ये कितने दिन में आया है। दोस्तों ये मेरा जब अप्लाई मैंने किया था तो ये तकरीबन एक हफ्ते के अंदर ही आ गया था, लेकिन जो वो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो लोग वापस कर देते हैं, ये दिक्कत होता है। उसके बाद मैंने कॉल करके फिर से इसको वापस मंगाया, फिर आ गया था। तकरीबन 15 दिन लग गए थे। एक बार आया था तो उन्होंने वापस कर दिया था, फिर दोबारा कॉल करके मैंने रिक्वेस्ट दिया तो फिर ये दोबारा आया, तो इस तरीके से मिल गया। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, काफ़ी लोग ये भी, उसके बाद मैं पिन वगैरह सेट करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों इसको मैंने किस तरीके से अप्लाई किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मुझे इस तरीके से कुछ मेरे पास पहले से एक ये वाला कार्ड था, मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह बनाया है। वीडियो अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास ये वाला कार्ड है तो फिर आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लगेगा, तुरंत आपको मिल जाएगा और एक हफ्ते के अंदर आपका ये रुपए वाला कार्ड आ जाएगा जो मैंने अभी अनबॉक्सिंग आपको दिखाया। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला रुपए कार्ड आपको मिल जाएगा अगर आपके पास कोई और होगा, ट्राई करके आप वो देख सकते हैं। बाकी मुझे कोई ऑफर नहीं आया था अभी, ये मैंने बहुत ही कम समय, एक महीना भी नहीं हुआ है इस कार्ड को लेते हुए मिला हुआ मुझे, फिर भी मुझे ये वाला रुपए वाला मिल गया। इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो रुपए वाला मैं आपको बता देता हूँ। चेक लीजिए, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ये मोबाइल नंबर जो भी अकाउंट के साथ लिंक है वो मोबाइल 10 अंक का डालेंगे और 4 अंक का लास्ट का 4 डिजिट डालेंगे। जो लास्ट 16 डिजिट का नंबर होता है दूसरे कार्ड का, उसका 4 डिजिट लास्ट का डाल के गेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डाल के क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन आएगा तब आप लोग यहाँ पे अपना, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना लिमिट वगैरह आप लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुझे मिला था, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था। तो आप मुझे 30 ही करना था, उसके बाद मुझे 30,000 रुपए वाला का चाहिए, और ये जो ये वाला जो कार्ड है इसका 80,000 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रुपए वाला का भी जो मैंने आपको दिखाया उसका 30,000 लिमिट है। उसके बाद यहाँ कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सर्चिंग होगा, आपको मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डाल के गेट कार्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आपको कुछ सर्चिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरा कार्ड तुरंत ही अप्रूव हो गया। अब ये जो कार्ड होता है 7 दिन के अंदर आपके घर में आ जाता है रुपए वाला कार्ड। ये वाला कार्ड दोस्तों मुझे प्री अप्रूव मिला था, कोई वीडियो को IC वगैरह कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 7 से 10 दिन के अंदर ये मेरे एड्रेस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से है मुझे मिला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास रुपए ये वाला कार्ड है या कोई कार्ड भी है इंडसइंड बैंक का, तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, शायद आपको मिल ही जाए। तो ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इसी तरीके से मुझे ये कार्ड मिला है, कोई KYC वगैरह कुछ नहीं हुआ था। तो अभी दोस्तों इस रुपए कार्ड को मैं आपको पिन सेट करके दिखाता हूँ, इसको एक्टिवेट किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक QR कोड दिया जाता है, इस QR कोड के जरिए से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस QR कोड को दोस्तों आप लोग स्कैन करेंगे, यहाँ पे एक लिंक आपको दिखेगा, इस पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक वेबसाइट पे क्रोम ब्राउजर वगैरह जो भी है यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे और ये जो कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट है डाल के गेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने मोबाइल नंबर और लास्ट का 4 डिजिट मैंने डाला, गेट OTP पे क्लिक किया। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP
OTP यहाँ पे डालेंगे, इसको मैं एक्टिवेट करके अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो OTP यहाँ पे मैंने डाला, ये नो डेटा नोट फोन बता रहा है। तो इसका प्रॉब्लम यह है दोस्तों, अब मुझे कस्टमर केयर से कॉल करके इसको एक्टिवेट वगैरह कराना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों ये वाला भी कुछ हो गया था, इसको भी मैं एक्टिवेट वगैरह नहीं कर पा रहा था। मैंने कस्टमर केयर से कॉल करके इसको एक्टिवेट कराया था तो फिर एक्टिवेट हो गया था, वो भी दोस्तों ये प्रॉब्लम है। और ये जो होता है मोबाइल बैंकिंग होता है यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है। अब इसका यही एक सोल्यूशन है, इसको जिस तरीके से मैंने कराया था वो इसी तरीके से। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इस मोबाइल बैंकिंग में भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन वगैरह हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कार्ड पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अभी दोस्तों ये वीजा वाला कार्ड है और रुपए वाला यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। दोस्तों जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो ये शो कर गया था एक दो दिन बाद, लेकिन ये कार्ड जब वापस चला गया ब्रांच जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं उसको वापस कर दिए थे, उसके बाद यहाँ से भी हट गया था।